दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार के महापर्व छठ पूजा से संबंधित। संपूर्ण विश्व की ऊर्जा और प्राण शक्ति के स्रोत भगवान सूर्य नारायण की उपासना हम छठ पूजा के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों आज की जेनरेशन जो न्यू जेनरेशन है उनको अगर वो स्वयं छठ पूजा करना चाहते हैं तो उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सारी छोटी छोटी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि छठ पूजा की विधि क्या है, पूजा के नियम क्या है, डाल दौरा आप किस प्रकार से सजाएं, प्रत्येक दिन 4 दिन तक छठ पूजा की जाती है तो प्रत्येक दिन की सामग्री लिस्ट क्या है, साथ ही दोस्तों आप पारण किस प्रकार से करें, किन छोटी छोटी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों YouTube पे ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें छठ पूजा से संबंधित पूर्ण जानकारी दी गई है, संपूर्ण नियम को, विधि को और सामग्री लिस्ट को सब कुछ बताया गया है। तो अगर आप छठ पूजा करने की सोच रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सुख समृद्धि श्रेष्ठ संतान तथा मनोकामना की पूर्ति का छठ पर्व भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है। साथ ही छठ का अर्थ होता है षष्ठी, अतः षष्ठी तिथि के दिन सूर्य षष्ठी का व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि छठी मैया जो है वो भगवान सूर्य नारायण की बहन है। छठ के व्रत में लोग बिना अन्न जल लिए पूरे 36 घंटे तक उपवास रखते हैं। छठ पर्व 4 दिनों का उत्सव होता है और छठ पर्व में पवित्रता का विशेष महत्व है। दोस्तों यह व्रत बिल्कुल एक तपस्या की तरह होता है जिसको कि पूरे शुद्ध मन से और पूरी शुद्धता के साथ किया जाता है। दोस्तों छठ पूजा का पर्व 4 दिनों का अत्यंत कठिन महापर्व है। अगर आप छठ पूजा करने की सोच रहे हैं तो पहले आप मन में एक दृढ़ निश्चय करें क्योंकि दोस्तों इसमें पूरे 36 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहना होता है। साथ ही इस पर्व में बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं, घर में सारे प्रसाद बनते हैं, पूरी शुद्धता के साथ सारे नियमों का पालन करना होता है। अगर आप अकेले हैं तो आप किसी न किसी को अपने साथ जरूर बुला लें जो कि आपकी सहायता कर सके। घर के सभी लोग मिलकर के इस महापर्व को करते हैं। दोस्तों छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पूर्ण होता है। छठ पूजा में प्रथम दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहा खा के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा के प्रथम दिन श्रद्धालु अपने घर की साफ सफाई करके अपने घर को पूरी तरीके से शुद्ध कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आप छठ पूजा कर रहे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि एक कमरा आप बिल्कुल शुद्ध कर लें, खाली कर लें, जिसमें कि आप छठ पूजा से संबंधित ही सामान रखें, उसी कमरे में पूजा करें, उसी कमरे में ताल डाला रखें, उसी कमरे में पूजा के सारे प्रसाद बनाएं और उस कमरे में बच्चों को या किसी को भी जाने की अनुमति ना हो। जो पूजा से संबंधित लोग हैं बस वही उस कमरे में जाएं। इसमें छठी माता को जल और फूल अर्पित करते हुए आमंत्रण देते हैं। नहा खा वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। दोस्तों उस दिन सर धोके भी आप नहा लें। उसके बाद जो है आपको सूर्य को जल देना होता है। सबसे पहले तो एक लोटा में आप जो है थोड़ी सी गंगा जल, लाल पुष्प और थोड़ी सी रोड़ी मिला करके आप सूर्य नारायण को जल दें और उस समय ही उनसे प्रार्थना करनी होती है कि हे सूर्य नारायण, मैं छठ महापर्व का व्रत प्रारंभ करने जा रही हूँ, आप मेरी इसमें जो है सहायता करें, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा पर्व जो है, व्रत जो है वो सफल हो और आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मेरा व्रत सफल हो और अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें और ये आपने संकल्प ले लिया व्रत करने का। उसके साथ ही छठी मैया को याद करें, उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपका छठ का व्रत सफल हो, ऐसी आप पे कृपा करें। कर्म और वचन से बिल्कुल शुद्ध हो जाना होता है। किसी की बुराई नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है क्योंकि उस समय कहा जाता है जो व्रती होते हैं वो बिल्कुल छठी मैया का रूप बन जाते हैं। तो आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, किसी प्रकार से गुस्सा नहीं करना है।
और बिल्कुल शुद्धता का पालन करना है, शुद्ध रहना है। जिस प्रकार से अर्घ देने के बाद और छठी मैया को आमंत्रित करने के बाद आपका व्रत शुरू हो गया, और दोस्तों नहा खा के दिन जो भी खाना बनता है वो पूरा का पूरा खाना शुद्ध घी में बनता है और सेंधा नमक में बनता है। उस दिन की सारी सामग्री आप किचन से यूज नहीं करेंगे, वो सब कुछ नया मंगवाएंगे, जैसे हल्दी पाउडर, चावल, सेंधा नमक, चने की दाल, शुद्ध घी, बेसन, कद्दू, ये सारी चीज़ें मंगा लें और बिल्कुल शुद्धता से अलग से इनको पकाएं। चावल बनता है, लौकी की सब्जी बनती है और चने की दाल बनती है। कई जगह पे पचका यानी कि पकौड़े भी बनाए जाते हैं, लौकी के पकौड़े, आलू के पकौड़े, ये सभी बनाया जाता है। सारा खाना शुद्ध घी में और बड़ी ही शुद्धता के साथ बनता है। घर में जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी लहसुन प्याज उस दिन से नहीं खाते हैं, बंद हो जाता है। सारा खाना जो छठ का है वो आप एक अलग गैस पे, अलग बर्तन में, अलग कमरे में बनाएं, जहाँ सारा खाना बनता है वहाँ पे ना बनाएं। छठ के लिए जो भी खाना बनना है उसका आप अलग से सारा सामान मंगवाएं, और छठ के लिए जो खाना बनता है नहा खा के दिन, जैसे कि चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी, ये प्रसाद होता है। इसको बनाने के बाद शुद्धता से एक थाली में निकाल लें और छठी मैया को जो है के लिए जब आप खाने बैठते हैं, जो व्रती खाने बैठते हैं, वो पहले एक प्लेट में सारे खाने में से थोड़ा थोड़ा निकाल के वो छठी मैया को जो है अर्पित करते हुए उसके बाद खुद खाना खाएं। जो आपने निकाला है प्रसाद रूप में घर के सभी लोगों में बांट दें, वो माता का प्रसाद हो जाता है। इस प्रकार से पहले दिन की पूजा पूर्ण होती है। और दोस्तों छठ पूजा में हमेशा नए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। जब भी आप व्रत की विधि कर रहे हैं उस समय आप नए वस्त्र धारण करें, कपड़े आप पहले से तैयार करा लें। इसमें अगर स्त्रियां कर रही हैं तो साड़ी, साया, ब्लाउज और साथ ही आपको चूड़ी भी बदल लेनी होती है। चूड़ी अगर लहठी की मिले तो सर्वोत्तम है, अगर ना मिले तो शीशे की चूड़ियाँ आप ले लें। आपको सफ़ेद या काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना है, कोई भी चीज़ आपको सफ़ेद या काला उपयोग में नहीं लाना है। आपको लाल, हरा, पीला, इस तरह का आप ब्राइट कलर के कपड़े पहने। अगर पुरुष व्रत को कर रहे हैं तो वो धोती, गंजी, कुर्ता, गमछा ले लें, और वो भी सफ़ेद वस्त्र ना पहने। अगर धोती सफ़ेद है उसको पीले रंग में रंग लें। कोई भी वस्त्र जो है वो सफ़ेद या काला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों नहा खा से ही जो व्रती हैं उनका कुछ भी खाना पकेगा तो वो किचन में नहीं पकेगा, वो शुद्धता से अलग चूल्हे पर पकेगा। घर में जो नहा खा का दिन होता है उस दिन व्रती जो है चाय पी सकते हैं, तो चाय भी अगर आपको पीनी है तो आप किचन में नहीं बनाएंगे, अलग चूल्हे पे शुद्धता से जिस पे आपने प्रसाद बनाया है वहीं बनाएंगे, और उसका भी सारी सामग्री आप नहीं मंगवाएंगे, जो किचन में है उसको आपको इस्तेमाल में नहीं लाना है। दोस्तों नहा खा के बाद अब व्रत का दूसरा दिन आता है जिसको कि खरना के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नहा खा के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी को खरना किया जाता है। इसमें शाम को सूर्यास्त से पूर्व भगवान सूर्यदेव को जल में, एक लोटे में जल ले लें, उसमें पुष्प और थोड़ा सा रोली डाल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। खरना पूजन के साथ ही घर में देवी षष्ठी का आगमन माना जाता है। खरना वाले दिन दोस्तों सुबह से निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को स्नान करें, स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ दें, उसके बाद आप विधि पूर्वक प्रसाद बनाएं, जैसे गुड़ का खीर, रोटी, ये प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद छठी मैया को ये प्रसाद अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद जो व्रती होते हैं इसको ग्रहण करते हैं। उस समय आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। दोस्तों यह प्रसाद अगल बगल के लोगों में जो है वो प्रसाद रूप में बांटा भी जाता है, परिचितों में बांटा जाता है। दोस्तों जब आप गुड़ की खीर बनाते हैं तो एक बात आप ध्यान में रखें कि गुड़ की खीर को आप पहले दूध में चावल को पका लें, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसमें गुड़ मिलाएं, नहीं तो आपका सारा गुड़ जो है गुड़ की वजह से आपका पूरा खीर फट जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रोटी जो बनाते हैं उस रोटी में भी आपको शुद्ध घी लगा लेनी है, बिल्कुल सूखी रोटी आपको न ग्रहण करना है और न अर्पित करना है। माँ छठी मैया को आपको बिल्कुल सूखी रोटी अर्पित नहीं करनी है, उसमें शुद्ध घी लगा लें। साथ ही
फल भी रखा जाता है। इन सब चीज़ों को आपको छठी मैया को अर्पित करना होता है। और दोस्तों, खरना वाले दिन से ही आप जो छठ व्रत के लिए नए वस्त्र लेके आए हैं, आपको धारण करना होता है। वह वस्त्र सिर्फ आपको पूजा की विधि के दौरान या शाम को जब आप प्रसाद बना रहे हैं उस दौरान पहनना होता है। प्रसाद बना के और प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद आपको ये वस्त्र खोल देने हैं। चूँकि आपने उसको पहन करके प्रसाद ग्रहण किया है तो वो वस्त्र जूठे हो गए। उसको आपको शुद्धता से धो करके बिना साबुन के आपको धोना है। उसको धो करके आप उसको डाल दें सूखने के लिए बिल्कुल शुद्ध जगह में, जहाँ बिल्कुल गंदगी ना हो, साफ सुथरी जगह में आप उसको सूखने को डाल दें। क्योंकि फिर जब आप पूजा से संबंधित कोई भी काम करेंगे या व्रत के नियम करेंगे तो आपको वो वस्त्र पहनने होंगे। दोस्तों, खरना के लिए जिस चावल का उपयोग किया जाता है वो है साठी का चावल। अलग अलग जगह में थोड़ी सी विधि अलग अलग होती है। भोजपुर से मैं हूँ तो वहाँ पे साठी का चावल उपयोग में लाया जाता है। अगर आपको कहीं आप विदेश में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, अगर आपको साठी का चावल नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल कोई भी चावल उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही गुड़, दूध और मिट्टी का बर्तन जिसमें आप खाना पकाते हैं। मिट्टी का बर्तन, परंतु अब सुविधा नहीं होने की वजह से लोग मिट्टी के बर्तन की जगह पे स्टील के बर्तन भी यूज़ में लाते हैं, उपयोग करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको शुद्ध घी चाहिए, आटा चाहिए, उसे प्रसाद बनाने के लिए थोड़े से फल चाहिए, केला या फिर सेब, इस प्रकार से थोड़े से फल चाहिए। अगर आप उस दिन शाम को जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं उस वक्त अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप उस वक्त चाय भी, कई लोग पी लेते हैं, तो चाय भी आपको गुड़ की बनी हुई होनी चाहिए, गुड़ का चाय ही पीना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आप अलग से अपनी पूजा के लिए मंगवा लें। दोस्तों, अब छठ व्रत का तीसरा दिन आता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन सारे दिन निर्जला व्रत होता है। न व्रति को ना कुछ ग्रहण करना होता है, ना अन्न न जल, कुछ ग्रहण नहीं करना होता है। साथ ही इस दिन पूरे दिन जो है शाम के अर्घ की तैयारी की जाती है। इस दिन सांझ का अर्घ होता है। प्रसाद रूप में आप चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, ठेकुआ बनाए जाते हैं, दाल द्वारा सजाया जाता है और उसमें सारे फल रखे जाते हैं। अभी मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगी कौन कौन से फल होते हैं। दोस्तों, कम से कम दो कलसुप तो ज़रूरी रखते हैं। कलसुप बांस की बनी भी कलसुप अगर मिल जाए तो सबसे पवित्र माने जाते हैं। कई लोग तांबे या पीतल की कलसुप भी रखते हैं। तांबे या पीतल की कलसुप अगर आपके घर में है तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बांस के कलसुप सर्वोत्तम माने जाते हैं। कम से कम आपको दो लेने हैं, अधिक से अधिक आप 5, 7, 9 अपनी श्रद्धानुसार आप ले सकते हैं। इन दोनों कलसुपों को आपको टोकरी में रख लें, किसी पीले कपड़े से आप उसको बांध लें और उसके बाद सर पे रख करके इस कलसुप को घाट तक ले जाया जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम सारे प्रसाद तैयार कर लें, सारे फल मंगा लें और ठेकुआ और चावल के लड्डू बना लें। साथ ही सारे जितने भी फल हैं उनको धो लें, अच्छे से शुद्धता से धो लें। आप जो कलसुप है उनको भी धो लें, सब साफ करके सारी सामग्री इकट्ठा कर लें। उसके बाद जो है कलसुप तैयार किया जाता है। मैं अभी आपको संपूर्ण सामग्री लिस्ट दे दूंगी कि क्या क्या चीज़ आपको कलसुप के लिए रखनी है। दोस्तों, उसके बाद एप्पल से, एप्पल में आपको हाथों को डुबाना है और एक पंजे का निशान आपको दोनों जो भी आपने कलसुप लिया है उस पर आपको बनाना है दो जगह। उसके बाद उसमें आपको सारे फल, धोए हुए फल सजा देने हैं। उसके बाद नारियल, बड़े बड़े जो फल होते हैं जैसे नारियल है बड़ा वाला नींबू है, उस पर भी आपको पंजों का निशान दे देना है। सारे फलों में के अर्घ के लिए शाम के अर्घ देने से पहले जो है व्रती जो है शुद्ध हो जाए, स्नान आदि कर लें। उसके बाद जो कपड़े आपने व्रत के लिए लिए थे, खरना के दिन धो के डाले थे, उन वस्त्रों को आपको धारण कर लेना होता है। साथ ही आपको एक ऐपन ले लेना होता है। साथ ही दोस्तों, पूजा के लिए एक लोटा ले लें जिसमें थोड़ा सा गंगा जल भी ले लें। उसके बाद अगरबत्ती, दिया, हर कलसुप पे रखने के लिए एक दिया भी होना चाहिए, शुद्ध घी का दिया ले लें। सिंदूरदानी ले लें, जो आपकी अपनी सिंदूरदानी है वो ले लें। ऐपन लिया जाता है, ऐपन बनाया जाता है एक छोटी कटोरी में थोड़ी सी हल्दी और चौरेठा मिला करके ऐपन बनाया जाता है।